ਅੱਜ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ਚਮ ਚਮ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮ ਹੈ ਚੱਕਤੀ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰੇ ਅੱਜ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ਗਰੂਵ ਮੇਰਾ ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो कि मुझे इन्होंने अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है ये उसकी बड़ी मेहरबानी मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती मैं कुछ भी नहीं हूँ मुझे अल्लाह ने दिया सब कुछ दिया उनकी मेहरबानी झोला क्योंकि मुझे कभी भी किसी ने भी तराना नहीं दिया और किसी ने भी ये मसलन के ये जो कौन सा पीएसएल का मैच तो वो शुक्र है मुझे इस लायक लोगों ने समझा कि भाई मैं गा सकती हूँ और सुर भी उन्होंने मुझे वो दिया टफ कि भाई टफ सुर दिया मुझे तब उन्होंने टफ सुर था तब उन्होंने मुझे दिया अगर ये होता ना कि मीडियम साइज का सुर तो उन्होंने मुझे नहीं देना था ये भी मैं कहती हूँ वो खुद अच्छे हैं जो मुझे इतना लाइक करते हैं मुझे वो क्या नाम है के, वो क्या शेयर कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। नामवर गुलुकारा नसीबोलाल का पीएसएल सॉन्ग तनकीद का शिकार होने के बाद हिट हो गया। नगमे के सोशल मीडिया पर व्यूज मिलियंस में पहुंच गए। ये गीत रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बन गया था, लेकिन इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो गया है। लोग इसे लाखों की तादाद में सर्च कर रहे हैं। गुलुकारा नसीबोलाल अपने गीत की कामयाबी पर निहायत खुश हैं। ताहम उनका कहना है कि इन्हें मुश्किल गीत दिया गया था। नसीबोलाल कहती है कि ये ऊंचे सुर का गीत है, अगर ये गीत मुश्किल न होता तो शायद इसे मुझे गाने का मौका न मिलता बल्कि कोई और सिंगर इसे गा रही होती। उनका यह भी कहना था कि मुझे पहली बार इस किस्म का नगमा गाने की पेशकश हुई है, लिहाजा मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने अपने वतन पाकिस्तान के लिए यह गीत गाया है। क्या ग्रुप मेरा, क्या बात, उसमें मैंने इंग्लिश टच दिए। ग्रुप मेरा, ग्रुप मेरा, ग्रुप मेरा, इस गाने के सुर बड़े ऊंचे थे जो मैंने गाया है। अज वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते पीएसएल के लिए जो मैंने गाना गाया है इसके सुर बड़े ऊपर थे और लोगों को ये लगता है कि मैं ऊंचे सुर पे गा लेती हूँ, तो उन्होंने बड़े हिम्मत से मुझे ये गाना दिया और मैंने गाया और आज आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने मेरे पाकिस्तान के लिए गाया है। ये कोई मेरे लिए ये नहीं है कि भाई मैं इस गाने को मैंने गाया तो मैं बड़ी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैंने गा दिया, नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए गाया है ये गाना और मैंने खुशी से गाया है अपनी, और इनकी मेहरबानी है जो मुझे इस लायक समझा। ये जो मैच शुरू हुआ है पी एस एल मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, पीएसएल के लिए जो मैंने गाया है तो मैं थोड़ा सा सुना भी देती हूँ ये गाना। लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप तो बहुत, आपका नाम हो गया और बड़ा आपने हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा मैच के लिए गाया गाना पीएसएल के लिए, तो मैं थोड़ा सुना भी देती हूँ। अज वेखेगा करोड मेरा ग्रूव टीवी ते देखेगा करोड मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा। उन्होंने मुझे वो ये आप वो क्या नाम है कि जो मौसीकार है, जो गाने बजाने वाले लोग हैं, जो सुर को समझते हैं, उन्होंने मुझे लाइक किया, तो जब कोई नेक्स्ट कोई काम आएगा तो मैं लाजमी करूँगी। जो लोग मेहनत करते हैं उन्होंने बजट इतना लगवाया है, इतने उन्होंने पैसे लगवाए हैं, तो आजकल लोग जो कीमती चीज़ और ओरिजिनल जो काम है उसको मानते हैं, तो जैसा कि उन्होंने काम किया वैसा उन्हें वो मिल रहा है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोग, तो ये नसीब की बात है, अपने अपने नसीब। मैन है मेरी ज़िंदगी का, ये मैन गाना है मेरा, वो क्या नाम है, ज़िंदगी का मैन नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, लेकिन ये जो गाना मिला है ना ये बहुत अच्छा मिला है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना कि मसलन कि भाई ये जो क्रिकेट मैच हो गया या कौमी तराना हो गया ये मुझे कभी नहीं मिला है, तो ये पहली बार मुझे ये मिला।